हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव सिन्हा अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम स्टैटिक जीके में इंडिया के पहले पुरुष अर्थात इंडिया फर्स्ट मैन के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले दो वीडियोस में मैंने इंडियंस फर्स्ट वुमेन के बारे में बात किया था। आज मैं 10 क्वेश्चन को लूंगा और आज का ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से हर भारतीयों को पता होना चाहिए। अगर आप मेरे बात से सहमत होंगे तो वीडियो के अंत में लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज हम शुरुआत करें यार इंडिया के फर्स्ट मैन के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है एवं प्रथम वायसराय कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल है, प्रथम वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, मतलब दोनों यही हैं, लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंट बेटन, इनको तो सभी जानते होंगे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? यही है मिस्टर लॉर्ड माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब भारतीय की यहाँ पे बात आ रही है तो ध्यान दीजिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिनको शॉर्ट में सी राजगोपालचारी भी आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको तो सभी जानते होंगे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्हीं के जन्मदिवस पर हम लोग मनाते हैं टीचर्स डे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नोबल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।